अरे भाई साहब, हैंडल बैलेंसिंग यार बड़ा टफ है यार। मतलब ये समझ लो, अगर हैंडल बैलेंसिंग गाड़ी की सही नहीं है ना, तो बाइक में कितना भी अच्छा सोना चांदी लगवा लो, मजा नहीं आता चलाने में। इसके साथ वही हो रहा है, किसी क्लाइंट ने बाहर मतलब किसी मैकेनिक से कॉन्सेट का काम कराया होगा, और उसके कॉन्सेट के करने के बाद से हैंडल में परेशानी सॉल्व होने की जगह और ज्यादा बिगड़ गई है। अब यार ये हैंडल की परेशानी को ठीक करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, पर पहले समझते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आई क्यों, और कॉन्सेट में कुछ कलाकारी कराई थी तो वो कलाकारी ऐसी क्या है जो कमी जिसमें आ गई और जिसकी वजह से कस्टमर यहाँ पे आ गया परेशान होने के लिए कि भाई यहाँ मेरी गाड़ी के हैंडल में एक स्मूथ वाली फील नहीं आ रही, चलाने में बड़ा डर सा लग रहा है। जैसे गाड़ी जब रोड पर चलाते हैं ना, एकदम जैसे ओवरटेक करते हैं, डर लगता है कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए, डर लग जाए, ठीक है ना, होता है गिर गिरा गई गाड़ी, तो यार बहुत ज्यादा मोटा महंगा खर्चा पड़ जाएगा, और सबसे बड़ा शरीर से बढ़कर थोड़ी ना, तो फटाफट अंदर लगाते हैं और देखते हैं इसमें एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, और इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही डीप डिटेल में आपके साथ शेयर करते हुए। हरीश आ जा बेटे, गाड़ी लगा अंदर, अंदर लगा, लिफ्ट लगा फटाफट से, कौन सेट के औजार लगा। तो अभी हम एक काम करेंगे, पहले फोर्क निकालने से पहले बाहर, मतलब गोलियां कॉन्सेट वगैरह बाहर निकालने से पहले हम इसे एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फोर्क का ये नट लूज करना है जिसका 30 नंबर का चाबी लगेगा। उसके साथ ना साथ में यहाँ पे साइड में 12-13 नंबर के बोल्ट होते हैं जो लोअर टी को सोकर में फंसते हैं ना, लोअर टी सोकर फंसते हैं, वो लूज करने पड़ेंगे। जब आप लोअर टी और सोकर वाले बोल्टों को लूज कर लोगे ना, उसके बाद फोर्क आपका जब एडजस्ट करोगे, तो मान लीजिए आपने नट को एडजस्ट किया, इसको टाइट किया फोर्क के नट को, तो ये पार्ट डाउन होगा, अपर टी वाला पार्ट डाउन होगा। अगर ये डाउन हो रहा है तो आपके सोकर भी डाउन होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, अगर ये नहीं होते हैं प्लेट हो जाएगी ऐसे करके। जब अपर्टी टिल्ट हो जाएगी तो सोकर टाइट करने का ना कोई फायदा नहीं है, अगर आप कौन सा टाइट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, वो 4-10 दिन बाद लूज हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जब कभी भी आप फोर्क को एडजस्ट करें तो हमेशा अपर्टी का मेन सेंटर वाला बोल्ट लूज करें, 30 नंबर का जितने भी नंबर का बोल्ट वहां होता है नट, आई मीन उसे नट बोलते हैं हम। उसके बाद सोकर के अंदर जो दो बोल्ट लगे हुए हैं, सॉरी लोअर टी के अंदर जो बोल्ट लगे हुए हैं दो, जो सोकर को टाइट करके रखे हुए नीचे वाले, इनको लूज करें, फिर आप कौन सेट का नट जो है उसे टाइट करें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं और समझते हैं, तो फाइनली प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि जो मैंने बताया उसका क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें आप नोटिस करो दो चाबियों में डिफरेंस क्या है, देख रहे हो, यहाँ से हमने ग्रैंड किया हुआ है और ये ग्रैंड नहीं है। इसका रीजन ये है कि स्प्लेंडर बाइक के अंदर होता क्या है, ये अपर्टी के ऊपर हैंडल की जो लगी होती है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में प्रॉपर ना चाबी लग नहीं पाती, क्योंकि ये यहाँ पे टच होता है, देखो ऐसे टच होता है, अगर हम कटी हुई चाबी लगाएंगे तो अंदर घुस जाएगी प्रॉपर। तो इससे दो फायदे होंगे आपको, तो आपका इजीली नट खुल जाएगा, दूसरा आपको ये खोलना नहीं पड़ेगा, इसी वजह से हमने इसको ग्रैंड किया हुआ है। अब ग्रैंड का मतलब ये नहीं होता कि हमने पूरा घेस खराब कर दिया, इसको इतना ही किया है जिससे चाबी भी खराब ना और हमारा काम भी हो जाए। नट तो हमने इसका टाइट किया, फोर्क भी एडजस्ट किया, बट वो जो चीज चाहिए ना हमारे को इस गाड़ी को देने के लिए वो नहीं मिल रही। तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर या तो कॉन्सेट कटा हुआ है, या गोली ज्यादा डली हुई है, या कम डली हुई है, या फिर उससे गोली टूट गई है। गोली टूट जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि हैंडल की बैलेंसिंग बहुत ज्यादा आउट हो रही है और एक किरकिराहट फील हो रही है। जब हम हैंडल को गाड़ी को चलाते हैं ना, तो गाड़ी में किरकिराहट वाली फील आती है, मतलब एक स्मूथ फील नहीं आती, हमें एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मतलब शोल्डर बिल्कुल पेन नहीं करना चाहिए, बहुत स्मूथ वे में गाड़ी चलनी चाहिए। बट यहाँ पर एक बात समझ में आती है निकल के कि इस भाई ने कॉन्सेप्ट में कुछ छेड़ाखानी करवाई है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना छेड़ाखानी हुई है, तो मुझे नहीं लगता इसकी गोली कटी है नहीं कटी है, पर कुछ भरोसा भी नहीं है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट को ठोकता है तो उसके प्रॉपर औजार ना होने की वजह से, या फिर औजारों होने की वजह से भी वो प्रॉपर सेटिंग नहीं आ पाते, तो एक देसी वाला फील ही आता। तो हम देसी वाले फील से दिखाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास औजार नहीं होगा और वो बिना औजार के भी बहुत ही अच्छे तरीके से उस कॉन्सेट को सही तरीके सेट कर सकते हैं। बट एक बात और यहाँ पे समझ में आनी चाहिए आपको, यहाँ पर कॉन्सेट के अलावा इसमें गोलियों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता फटाफट से खोलते हैं और उसको समझते हैं। तो फाइनली अपर्टी इसकी हमने अलग कर दी, आप देख चुके हैं अलग पट्टी अलग हो चुकी है। तो अभी हम इसका नट लूज कर रहे हैं जिससे हमारी अपर जो लोअर टी है वो डाउन हो जाएगी, और लोअर टी डाउन होने के बाद हमें पता लगेगा कि इसमें हुआ क्या है। जो हम अनुमान लगा रहे हैं उनमें से देखते हैं क्या चीज होती है। मुझे लगता है इसका कॉन्सेट खराब हो गया होगा, जब ये ज्यादातर ऐसा होता है, बाकी देखते हैं क्या हुआ है इसके अंदर, ये तो निकलने के बाद ही पता लगेगा। तो ये हमारी है कॉन अपर वाली, ये हमने अलग कर दी, इसमें करा रखा है बंदे ने, ग्रीसिंग वगैरह हो रखी है, और इसमें देखो गोलियां कितनी सारी है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें गोली ज्यादा है। और इसमें ना एक चीज आपने नोटिस करी होगी, इसमें जाली नहीं लगी हुई है, जो कि जितने भी मॉडल आ रहे हैं उन सब में गोलियों के ना जाली लगी होगी। जाली ना होने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि जाली ना लगने की वजह से गोली ज्यादा लग गई हो। तो गोलियां गिनते हैं इसमें कितनी है गोली, फिर गिन के आपको बता। ये इसमें गोलियां लगी हुई है, इसको गिन लेते हैं कितनी है। इसमें जाली नहीं लगी हुई है
और गोलियां डली हुई हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये होती है, अगर आपकी गाड़ी कॉन्सेट आप डाल रहे हैं, जाली नहीं डाल रहे हैं, इसमें ये नहीं कि कॉन्सेट चलेगा नहीं, कॉन्सेट चलेगा भी, सेट भी हो जाएगा। बट अगर जाली नहीं लग रही है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जाली के बगैर गोलियां कितनी लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इसमें जाली नहीं है लेकिन गोलियां ज्यादा डाल रखी, अब कितनी ज्यादा डाल रखी है ये हमारे राजवीर जी बताएंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें ऊपर वाली कोन के अंदर 18 गोलियां निकली हैं। देखो आप देख भी सकते हो, 18 आप भी गिन सकते हो, इसमें 18 गोलियां हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके गिन सकते हो, तो ये निकला है, ये कौन है। बाकी हम इसका इंस्पेक्शन करेंगे, कॉन्सेट चेक करेंगे, इसका खराब तो नहीं है, गोलियां ज्यादा क्यों लगाई थी, रीजन क्या है वो चेक करेंगे, सारी चीज को समझते हैं। दोस्तों ये देखो कुछ दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके गिनना इसको, इसमें भी 16 गोलियां हैं और इसमें भी 16 गोलियां हैं। अब यार देखो 16 गोलियां इसमें हैं, ये जाली को अगर हम हटा देते हैं तो मैक्स टू मैक्स बिना जाली के हम कॉन्सेट को फिट कर सकते हैं 17 गोली लगा के। पर इसमें क्या हो रखा था, इसका केस उल्टा था, इसमें एक गोली एक्स्ट्रा लगा रखी थी, वैसे तो दो गोली एक्स्ट्रा लगा रखी थी, पर एक गोली से इसकी जाली की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती और ये गाड़ी का कॉन्सेट एकदम फर्स्ट क्लास सेट हो जाता। बट यहाँ पे एक गोली एक्स्ट्रा लगा रखी थी, अब ये समझो इसकी नीड को फुलफिल करने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक गोली की जरूरत थी, ना कि दो गोली की। अब सिर्फ दो गोली की वजह से ये दोबारा खुल गया और इसमें दोबारा से टाइम लग गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वैसे तो हम इसको बिना जाली के भी सेट कर सकते हैं, बट एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, प्रोफेशनल फिट करने के लिए हमें जाली की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम इसको जाली लगाते हैं और इसको फिट करते हैं। पर उससे पहले मैं बात बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी कॉन्सेप्ट नया परचेज कर रहे हो तो जाली उसके साथ आती ही आती है। अगर आप सोचो जाली मैं अलग से परचेज कर लूँगा तो ऐसा नहीं होता, जाली अलग से मुझे नहीं मिलती है। अगर कोई लोकल थर्ड पार्टी की अगर जाली लोगे तो यार कौन सी बात है, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, बट एक जेनुइन चीज़ जेनुइन होती है। तो फटाफट से इसे फिट करते हैं, ग्रीस वगैरह लगाते हैं और आगे देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा निकलता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि OEM अलग से जाली क्यों नहीं देता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और क्या उसको जाली अलग से देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। अगर अलग से जाली देनी चाहिए तो मैकेनिक को जाली के साथ कौन सा डालना चाहिए, या फिर जाली हटा के दो गोली एक्स्ट्रा डाल के कौन सा डालना चाहिए। यहाँ तो जाली अलग से आती नहीं है क्योंकि हमारा सर्विस सेंटर दिल्ली में है, तो हमें तो भाई जाली अलग से मिलती नहीं है, पूरा कॉन्सेट के साथ ही जाली मिलती है। अगर आप किसी और स्टेट से हैं और वहाँ जाली अलग से आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई मैं इसी स्टेट से हूँ और मेरे को कॉन्सेट के अलावा अलग से जाली मिल जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि OEM का ही पार्ट होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल होनी चाहिए, जिस ब्रांड का आप काम कर रहे हैं उसी ब्रांड का वो पार्ट जो कंपनी दे रही है वही होना चाहिए। वो कौन सा OEM में दे रही है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं बात कर रहा हूँ इस गाड़ी की, जिस कंपनी की गाड़ी है वो आप देख लो किस कंपनी की गाड़ी है, मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ और इसी कंपनी में का कॉन्सेट जो आता है उसके अंदर जाली। अब यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, कॉन्सेट इसका हमने चेक किया था, कॉन्सेट ओरिजिनल लगा हुआ है इसमें, दोनों साइड कॉन्सेट है, वो भी कॉन्सेट बढ़िया है, चारों कोन इसकी एकदम ठीक है, एकदम देख रहे हो सीट भी एकदम बढ़िया है। जाली नहीं थी अलग से, हमने लगा दी अलग से इसमें जाली, और ये हमने यहाँ पे लगा दी, इसको हम अच्छे से ग्रीस व्रीस करके लगाएंगे। अब हम इसे फिट कर रहे हैं, फिट करने के बाद इसे सेट करेंगे। जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आपके कोई सवाल जवाब कुछ भी है तो आप बता सकते हो, और नेक्स्ट कौन सी गाड़ी आपको चाहिए और क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए वो आप बता सकते हो। अभी भी सोच रहे हो यार, कमेंट करो भाई, वेट कर रहे हैं आपका, कमेंट पढ़ेंगे। Few moments later. Finally, इसका कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट हो चुका है, हैंडल भी एकदम स्मूथ हो चुका है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसा ना हो तो क्या फायदा यार टीम ARV का, है ना। तो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से गाड़ी ओके हो जाए और जो भी काम गाड़ी में निकल रहा है उसे सही तरीके इंस्पेक्ट करके उसको सही कर दिया जाए। काफी सारे लोग हैं जो अपनी हैंडल की समस्या से परेशान है, अगर आप भी उनमें से एक हो तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी बता सकते हो। अगर वो कमेंट बॉक्स में परेशानी का सोल्यूशन निकलेगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अदरवाइज आप हमारी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हो। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर भी मिल जाएगा, वर्कशॉप भी मिल जाएगी, डिटेल सब मिल जाएगी। उसके अलावा आपको गूगल पे भी हमारी वर्कशॉप का एड्रेस मिल जाएगा, गूगल पे लिखना है आपको ARV ब्रदर्स वर्कशॉप और आपको पूरी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ट्यूजडे को हमारी वर्कशॉप बंद रहती है। आपके मन में आ रहा होगा यार इसमें खर्चा कितना हुआ है, देखो यार इसमें कॉन्सेप्ट तो हमने डाला, हमने उसी कॉन्सेप्ट को ठीक करके दिया है जाली लगा के। अब कॉमन सी बात है, जब कॉन्सेप्ट नहीं डालेंगे तो वो बहुत ही कम प्राइस में हो जाता है। अलग अलग बाइकों का अलग अलग कॉन्सेप्ट का प्राइस होता है, हमारी लेबर भी अलग अलग बाइकों पे अलग अलग चार्ज होती है, बट कम से कम हमने इसे ठीक कर दिया है। प्राइस में नहीं बता सकता क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने मैकेनिक काम कर रहे हैं उन सभी की लेबर एकदम अलग अलग होती है, तो इसीलिए मैं प्राइस आपके साथ रिवील नहीं कर सकता। पर यकीनन अगर आप अपनी बाइक का काम कराने आते हो या जो भी काम करवाते हो उसका प्राइस कम से कम है, बेस्ट से बेस्ट मिलेगा, बाकी हमारे काम की पूरी जिम्मेदारी भी रहेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।